हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा आई शेडो। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आईब्रोज़ को शेप देंगे और उसमें कलर भरेंगे, उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे और अच्छी वाली आईब्रो में हम लोग शेप देंगे। यहाँ पे गाइस मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखा रही हूँ, ये मेरा पार्लर है, मेरे स्टूडेंट भी सीख रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मैं अभी आईब्रोज़ को अच्छे अच्छे से कलर, ब्लैक कलर इसमें कर रही हूँ और काफ़ी डार्क हो चुकी है और बहुत ही प्यारी लगती है इस तरीके से हम अपनी आईज़ बनाते हैं। तो और वीडियोज़ को मैंने थोड़ा सा गाइस स्पीड इसकी बढ़ाई है ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देख सकें कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ से नीचे से मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, अब जो थोड़ा सा फैल गया है हल्का सा उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर आईब्रोज़ के लिए, फिर हम लगाएंगे आई शेडो और आईब्रो को किस तरीके से शेप देनी है, आईब्रो को किस तरीके से शेप देनी है, किस तरीके से क्या करना है, इसमें मैंने सब कुछ बता रही हूँ और आप ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद मैं आई शेडो लगाऊंगी जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। आईब्रो देखिए, वो वाली आईब्रो और ये वाली आईब्रो देखिए, दोनों में कितना फ़र्क है। जब ये मेकअप के साथ पूरी कंप्लीट होगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे कंसीलर और इसको हम आईब्रोज़ को हाईलाइट करेंगे अच्छे से। तो इसी तरीके से हमें हमारी आईज़ को कंप्लीट करना है। हम ये किसी और के भी मेकअप कर सकते हैं, पार्लर में भी कर सकते हैं अगर हमारा पार्लर है तो, अगर हमें घर में करना है तो हम घर में भी कर सकते हैं, किसी को तैयार भी कर सकते हैं और अपना खुद का भी मेकअप कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही इजी है ये और मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हमें आईज़ को, सबसे पहले आईब्रो को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी पूरी जो मेकअप की लुक होती है ना वो हमारी आईब्रोज से ही है। अगर हमारी आईब्रोज अच्छी नहीं भी है तो भी हम मेकअप से उन्हें अच्छा कर सकते हैं। देख सकते हैं इस आईब्रो कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये आईब्रो को करना ही सबसे बड़ी बात है, अगर हमने इसे अच्छे से कर लिया ना, हमारी आईब्रो अच्छे से बन गई तो फिर हम मेकअप भी अच्छे से कर सकते हैं। कितनी प्यारी शेप आई है देख सकते हैं गाइस आईब्रोज़ की। अब मैं मेकअप कर रही हूँ, आई शेडो लगा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले कॉर्नर से लगाना शुरू कर रही हूँ। कॉर्नर में हमें सबसे पहले वी शेप बनानी है, पर्पल कलर में यूज़ कर रही हूँ गाइस। इससे हमें वी शेप बनानी है पहले पीछे की तरफ से, फिर धीरे धीरे हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे और बहुत ही स्मूथली और बहुत ही आराम से इसे हम लगाएं अच्छा कर सकते हैं। देख सकते हैं इस आईब्रो कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये आईब्रो को करना ही सबसे बड़ी बात है, अगर हमने इसे अच्छे से कर लिया ना, हमारी आईब्रो अच्छे से बन गई तो फिर हम मेकअप भी अच्छे से कर सकते हैं। कितनी प्यारी शेप आई है देख सकते हैं गाइस आईब्रोज़ की। अब मैं मेकअप कर रही हूँ, आई शेडो लगा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले कॉर्नर से लगाना शुरू कर रही हूँ। कॉर्नर में हमें सबसे पहले वी शेप बनानी है, पर्पल कलर में यूज़ कर रही हूँ गाइस। इससे हमें वी शेप बनानी है पहले पीछे की तरफ से, फिर धीरे धीरे हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे और बहुत ही स्मूथली और बहुत ही आराम से इसे हम लगाएंगे अपने आई शेडो को, बहुत ही अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा शेप आया है आईब्रोज़ का। और अब हम आईज़ का भी कितना प्यारा शेप आया है। इसी तरीके से हम कोई भी आई शेडो लगा सकते हैं, कोई भी कलर का, अपनी ड्रेस के मैचिंग का या फिर उससे थोड़ा सा अलग। पीछे हम लगा रहे हैं गाइस ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर आजकल बहुत ट्रेंड में है और ब्लैक कलर बहुत अच्छा भी लगता है आजकल। तो हम पीछे की तरफ कॉर्नर पे मैंने ब्लैक कलर लगाया है और ब्लैक कलर को लगा के मैं इसे बीच में अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि वो पीछे की तरफ ब्लैक कलर दिखेगा, बीच में थोड़ा सा ब्लैक और पर्पल मिक्स दिखेगा और आगे की तरफ लाइट पर्पल कलर दिखेगा, जो कि बहुत अच्छी आईज लगती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बहुत ही आराम से करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एकदम आराम से करना है। इसके बाद लगाएंगे हम गाइस आई लाइनर, लाइनर लगाएंगे हम इसी तरीके से। आईलैशेस भी लगा सकते हैं हम। और देखिए मैं किस तरीके से लाइनर लगा रही हूँ, बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से हमें लाइनर लगाना है। इसके बाद हमारी आईज़ बहुत सुंदर लग रही थी। और हम किसी का भी मेकअप करेंगे इसी तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल वाला आई शेडो है जो कि बहुत ही ईजी तरीके से लगाया जाता है इस तरीके से गाइस। अगर आप भी लगाएंगे तो बहुत इजी तरीके से लग जाएगा
और पीछे से लाइनर मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, आगे से थोड़ा सा पतला रखा है। इससे गाइस बहुत अच्छी आइज़ की शेप जो हमारी बनती है ना वो बहुत सुंदर लगती है। देख सकते हैं कितना प्यारा आया है कलर, आगे पर्पल और पीछे ब्लैक, बहुत सुंदर लगता है ये कलर भी। और इस तरीके से हम कोई भी कलर लगा सकते हैं, बस आगे की तरफ थोड़ा सा लाइट कलर रखेंगे पीछे के कलर से। और अब मैं मश्कारा लगा रही हूँ और ये लगाने के बाद इनकी आइस बहुत सुंदर लग रही थी गाइस, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी आइस लग रही है। तो हम बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको आई शेडो लगाना बता रही हूँ इसमें। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये आई शेडो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना प्लीज़ गाइस, थैंक यू सो मच।